पहले जीजू बीमार पड़े थे, फिर मैं भी शापे बीमार पड़ गई उनकी हिरस में देख देख के। ज्यादा मोहब्बत है ना दोनों के बीच, मोहब्बत है ना, इसलिए मैं भी शापी को रात में हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर जीजू को हॉस्पिटल लेके गए। बुखार आता है, पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है। ये है हमारा यखनी शोरबा और ये थोड़ा पतला ही बनता है, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं बनता। चिकन फ्राई बनाओ। देख हम खाएंगे, तू और हर्ष भाई नहीं खाएंगे। गाइस हमारा कस्टर्ड जो बनके यहाँ पे तैयार है, चटपटा सा स्पाइसी सा चिकन फ्राई रेडी हो चुका है। सो गाइस हम रात के 3:06 पे बना रहे हैं ओट्स मसाला ओट्स। छोटा मार दूंगा ना तुम बोलो। देखो ऐसे कह रहे, इस घर में काला साया है। गाइस डैडी आ गए। और अभी मैं महविश बोलने वाला था। और कैसे हो आप सब? और देख सकते हो महविश अपी सूख चुकी है यार, बहुत हालत खराब थी। अभी भी मतलब है कंडीशन अच्छे से, मतलब ठीक नहीं हुई है, पर हाँ जो पहले थी उससे बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और आप सबकी दुआ हाँ, से। और महविश आपी की और जीजू की अभी हो गई थी तबीयत बहुत ज्यादा खराब। मतलब महविश आपी नहीं, पहले जीजू बीमार पड़े थे, फिर महविश आपी बीमार पड़ गए उनकी हिरस में देख देख के। ज्यादा मोहब्बत है ना दोनों के बीच, मोहब्बत है ना, इसलिए दोनों बीमार एक साथ और बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन। तरसों रात हाँ मतलब इससे पिछली वाली रात महविश आपी को रात में हॉस्पिटल लेके गए थे, इंजेक्शन 3 लगाया, घर वापस आ गए। तो कल रात परसों रात फिर जीजू को हॉस्पिटल लेके गए, तो उनके 4 ड्रिप चढ़ी 4 बोतल चढ़ी, फिर उनको भी घर वापस लेके आ गए। बट हाँ कल से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी ना दोनों की बेहतर है तबीयत, वरना तो इन दोनों का इतना बुरा हाल था। अभी तो मैं हंस रहा हूँ, कह रहा हूँ उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अभी जो आप सबको पता है वायरल फीवर चल रहा है, सबको डेंगू वगैरह हो रखा है, ज़्यादातर मोस्टली टाइफाइड डेंगू यही चल रहा है सबको। तो बुखार आता है, पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, तो इसी चीज़ से हम भी सफ़र कर रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर बेटर। बट आप उसको नॉर्मल पेट दर्द मत समझना, वो तो हमने वीडियो बनाई नहीं, अगर बना दी तो पागल हो जाते, देखते भी कैसे कैसे ये रो, आप भी कैसे मछली की तरह तड़पता है। हाँ वो बहुत बुरी, मतलब जहाँ खाती है वहाँ उससे डबल ट्रिपल तो निकाल ही देती थी, ऐसा था। सबसे ज़्यादा तो किस बात का हुआ कि यार अभी तो हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए थे और इतना अच्छा हमने उसको किया, अब बारी थी हमारी वीडियोस बनाने की, सेटिंग करने की, घर को अच्छे से आप सबको दिखाने की। बट उसी टाइम पे हम बीमार पड़ गए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि कोई भी नहीं है गाइस कि हम मतलब इन दोनों को जबरदस्ती लेके आए कि चलो घर। अगर सिर्फ अर्श बीमार होते तो मैं सब चीज़ हैंडल कर लेती, लेकिन दोनों की ही कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं कैसे खाना वगैरह बनाती, इसलिए हम अम्मी डैडी घर ले आए थे कि यहाँ रह लो। तो अभी हम कुछ दिनों से जबरदस्ती लेके आया हम इन दोनों को, अब हम बस एक आध दिन में जाने वाले हैं अलविदा कहने। पर अभी हम इनको नहीं भेजेंगे, अभी हम रोक के रखेंगे, क्योंकि फिर से ये अपने फ्लैट पे चले जाएंगे तो फिर से काम शुरू करेंगे, फिर से मतलब कंडीशन खराब होने लगेगी, भारी भारी सामान उठाएंगे। कि हमने ना शिफ्टिंग की थी तो हमने बहुत ज्यादा लोड ले लिया था, बहुत काम, और ऊपर से हम शॉपिंग भी कर रहे थे, फर्नीचर वगैरह लेकर आए थे जो आपने कर रखी वीडियोज में भी देखोगे आगे चल के, और बहुत सारी शॉपिंग करने गए थे, जामा मस्जिद गए थे, चांदनी चौक गए थे, शास्त्री पार्क से फर्नीचर लेकर आए थे। तो इस चक्कर में भी मतलब हमारा डेली जाना होता था और डेली टू डेली मतलब हम बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो और पता है इनका फ्लैट जो है ना वो 5th फ्लोर पे है, तो लिफ्ट भी नहीं है। हाँ इस वजह से जो पहले फ्लैट देखा था उसमें लिफ्ट थी, बट उसका कुछ एक अलग ही मैटर हुआ था, वो आप ही खुद ही आके अपने चैनल पे बता देगी। वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लाइक मतलब सोच नहीं सकते आप लोग और हम भी ऐसा कभी सोच नहीं सकते। तो अभी ये कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से दोनों की तबीयत जो बहुत ज़्यादा बेहतर है, कल रात से बहुत फ़र्क पड़ा है इन दोनों की तबीयत में। बट उससे पहले जो कंडीशन थी ना अल्लाह मेरी तौबा बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब रातों में तो हम सो भी नहीं रहते, इनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब थी। बट हाँ अभी हम इनको नहीं भेजेंगे, मतलब ये था ना कि आप ही की अक्टूबर में वीडियोज़ आनी शुरू होती, हाँ अब अक्टूबर में ही आएगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी आने में, और अभी तो इनको घर नहीं जाने देंगे, अभी 2-3 और रुका के रखेंगे, जैसे लगेगा ना अब ठीक है तो इनको भेज देंगे, फिर ये अपना काम शुरू करने लगेगी, फिर ब्लूम जोन और आप जीजू साथ साथ आएंगे, तो बहुत मज़ा भी आएगा देखना। बहुत कुछ इंशाल्लाह इस बार, बहुत कुछ मतलब हम दोनों का बहुत कुछ, मतलब ये समझ लो
ये समझ लो कि इस साल को खत्म होने के लिए ना बस दो महीने बचे ना, नवंबर दिसंबर, इसी दो महीने में ना आप देखना आपका क्या मतलब बहुत कुछ देखने में, बहुत कुछ इंशाल्लाह। अभी नहीं बोलूंगी, मुझे पता है बोल देता है इंसान तो नजर लग जाती है। हम नजर वगैरह को नहीं मानते, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, बट फिर भी नहीं बोलना चाहिए, जो करना है अपने दिल में रखो बस। हाँ। और दुआ करो अल्लाह पूरा करेगा। मैं ज्यादा पतली लग रही हूँ ना? अरे बहुत, अभी बीच में भविष्य आप ही मोटी हो गई थी, बट फिर से आप ही की हवा निकल गई, बट कोई बात नहीं, अब तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। और दुआ करना आप लोगों, बट अभी अभी ना हैवी शापी बना रही है घर में, गोश्त बना रही है, चिकन बना रही है, यखनी वाला, हाँ यखनी गोश्त, हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। और अम्मी जी बना रही है कस्टर्ड, बहुत अच्छा। अभी ये दोनों वही जा रहे थे बताया, अभी इतनी तबीयत खराब में भी, बट अभी इनका कैंसिल हो गया जाना, बट अभी यहीं पे तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। हाँ तबीयत खराब में खुद से हॉस्पिटल गए, खुद से हॉस्पिटल गए, खुद दवाई लेके आए, खुद से ही गए इतनी तबीयत खराब में तो, बट हाँ अल्लाह का शुक्र है क्योंकि पैदल चलने में दिक्कत हो रही थी। हाँ तो चलो गाइस, अभी अम्मी खाना वाना बना रही हैं, फिर अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, कस्टर्ड वस्टर्ड बना रही है, देखते कैसा टेस्ट होता है कैसा नहीं, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा चिकन मचा, चिकन फ्राई बनाओ। देख हम खाएंगे, तू और हर्ष भाई नहीं खाएंगे, मतलब अपने लिए बना रही है ये, तू खाएगी क्या? पूछ रही हूँ कि तुम भी खाओगे मतलब तुम भी खाओगे मतलब तू अपने लिए मैं भी बता। देखो अभी अल्लाह ने बचाया, अभी जिंदा लाश को बचाया, मैं अभी और चिकन फ्राई खाएगी, देखते चल बना ले, खा लेंगे, मैं तो खा लूंगा। गाइस अभी हमारी गली में तो तगड़ी लड़ाई हुई ना, मजा आ गया देख के। लहसुन का जुगाड़ लहसुन नहीं है यार, अदरक चाचा के घर से मांग लाओ, मांग के ला तभी बनेगा, मैंने खाना है तो जुगाड़ करा। अम्मी जी इधर आना, देखे ना दुकान कहाँ है, लहसुन वसन जा मिलेगा है तो सही। वो कह रही लहसुन नहीं है, थोड़ा बहुत से क्या होता है, लहसुन ज्यादा डलता है, अच्छा लगता है लहसुन। अम्मी अब थोड़ा सा पेट ठीक हो गया तो आपसे हो गया, तरह हर चीज खा रही है कोई नहीं, खा लो खा लो, खाओ खाओ खाओ। फिर अगर इसने कहा ना मेरे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर इसको दवाई नहीं मिलेगी, फिर रोएगी बैठ के। तो ये है हमारा यखनी शोरबा, और ये थोड़ा पतला ही बनता है, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता, गाढ़ा नहीं खाया जाता। खुशबू इतनी ज़्यादा टेस्टी आ रही है ना कि दिल कर रहा है, मतलब भूख वाली खुशबू मतलब खुशबू बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रही है, मतलब खाने वाली है एकदम की, मतलब लगते ही पेट में गुलगुल होने लगी, बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। सो गाइस मैं अभी शापी बना रही है, अब यहाँ पे चिकन फ्राई, मतलब थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ था ना, तो जो अभी सालन बनाया उसमें से थोड़ा बची है, तो आपने कहा चलो ये बना लेते हैं, आपी का दिल कर रहा था खाने का, इसको खाना नहीं चाहिए पर ये खा रही है, बना तो हम भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। मैं जो यहाँ पे चिकन फ्राई बनाऊंगी गाइस, ये थोड़ा अलग स्टाइल का होगा, मतलब जो बनता है उससे थोड़ा हटके ट्राई कर रही हूँ आज बनाना, थोड़ा सा ही बना रहे हैं इसलिए ताकि पता चल जाएगा, अगर अच्छा नहीं भी बना कोई बात नहीं खा लेंगे, वैसे इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा देखूँ। चलो मज़ा आएगा, लग तो रहा है कि यहाँ से देख के कि थोड़ा बहुत स्पाइसी होने वाला लग तो रहा है। देखो रेड चिलीज डाली है हमने, कश्मीरी वाली मिर्ची पीसी है, और दरदरा पीसना है इसमें, ज्यादा पतला नहीं करना, दरदरा पीस के डालना, लग तो ऐसी रहा है देखने में मस्त। बता दिया एक तरह से पूछो अम्मी कह रही है कि अब बता तो दे गाइस को कब वीडियो बनाएगी, अम्मी को ज़्यादा फिक्र रहती है मैं शॉपिंग के काम की बहुत। सो गाइस हमारा कस्टर्ड जो बनके यहाँ पे तैयार है, अभी फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं अभी हम इसके अंदर, और अभी हमें ना क्या है जो एप्पल है ना वो ऐड नहीं करेंगे, उससे ना जल्दी ख़राब हो जाएगा जब हम खाएंगे, तो तब इसके ऊपर डाल लेंगे। जो हमारे ये है बादाम, हम अभी ये भी नहीं डालेंगे, इसको भी ऊपर से डालेंगे, फिर डैडी जी नहीं खा पाएंगे इस वजह से। तो अब इसके अंदर हमने ना अनार और बनाना डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, बहुत टेस्टी। और आप ही कर रही है यहाँ पे चिकन फ्राई की तैयारी, मतलब तेल गर्म कर लिया है। सो यहाँ पर मैं अभी शापी चिकन फ्राई को फ्राई कर रही है, कैसा लग रहा है बहन? डर लग रहा है क्योंकि थोड़ा न्यू स्टाइल में कर रही है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है कि कैसा होगा, पर देखने में तो अच्छा लग रहा है। अभी वो सिंगल वहाँ पे हो चुका है, फिर देखो कितना ज़्यादा टेस्टी सा लग रहा है यार, देखो कैसा लग रहा है। अभी ये फिर करेगी इसके ऊपर मसाला वगैरह लगा के, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। इसका कर चुकी हूँ डबल। अच्छा चलो ठीक है, आप भी बनाती है, पहले बनाएगी पूरा, जब खाएंगे तब बताएंगे टेस्ट कैसा है।
A few moments later. गाइस ये देखो यहाँ पे हमारा चटपटा सा स्पाइसी सा चिकन फ्राई रेडी हो चुका है और सबके मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि सबको इसको ट्राई करना है और सब इंतजार कर रहे हैं खाने का। खुशबू ना बहुत ज्यादा टेस्टी आ रही है, तभी तो आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा जूसी जूसी, और देख रहे हो कितना मसालेदार, भाई साहब बहुत ज्यादा टेस्टी है। चलो हम जा रहे हैं अब खाने के लिए, अभी लगाते दस्तरखान जल्दी से। मुझे नहीं पता था कि महवी शॉप भी इतना ज्यादा टेस्टी है चिकन बनाएगी। जब मैंने फर्स्ट बाइट ली तभी मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, और अगर अभी मुझे दोबारा मिलेगा ना खाने के लिए तो हाँ मैं खा सकती हूँ, इतना ज्यादा मुझे टेस्टी लगा। और रही चिकन फ्राई की बात तो मैं अब घर पे यही बोलूंगी कि इसी स्टाइल में दोबारा बनाना क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी था। सो गाइस हमने खाना खा लिया, खाना इतना ज्यादा टेस्टी, मतलब चिकन फ्राई तो क्या बना था, साथ में ना अखनी वाला जो चिकन बना था ना वो भी इतना ज्यादा टेस्टी, मतलब आज मैंने एक्स्ट्रा खा लिया और बचा हुआ भी मैंने फिनिश कर लिया, इतना ज्यादा टेस्टी है। बट हाँ अम्मी ने आधे बर्तन धो दिए मेरे कहने से पहले, और कस्टर्ड भी ना सबने कस्टर्ड टेस्ट किया, अभी मैंने नहीं किया, मैं भी करूँगा, बट हाँ रात के टाइम में थोड़ी देर बाद करेंगे। और अब बर्तन धोने की बारी है, बर्तन धोते हैं क्योंकि घर का नौकर हूँ, बर्तन धो लेते हैं फिर उसके बाद जल्दी से मिलते हैं, फिर उसके बाद जो और काम है वो भी करते हैं जल्दी जल्दी, फिर फ्री होके फिर बात करेंगे। गाइज हमारा जो कस्टर्ड है वो यहाँ तैयार है, अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, मतलब मैं रह गया था ना, मैं और आप भी अब दोबारा से खाने के लिए जा रहे हैं, आप भी दोबारा से बैठ गए खाने के लिए, तो चलो टेस्ट करके देखते कैसा लग रहा है। पता है सब ने टेस्ट किया तो सब बोलो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है, कस्टर्ड तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता ही बनता है। टेस्टी तो बना है, मुझे तो पता था टेस्टी बनेगा, बहुत टेस्टी है। चलो जब खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस हम रात के 3:06 पे बना रहे हैं ओट्स मसाला ओट्स, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ही ज़्यादा, बहुत गंदी वाली, ये हमें रात में ना हम जागते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं और अभी यहाँ पे जीजू मिलके बना रहे हैं यहाँ पे ओट्स। हमारा जो मसाला है वो जल गया है तो उसको अभी हम थोड़ा ठीक कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। अभी जब आपकी और जीजू की तबीयत खराब थी ना तब बनाया था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, मैं नहीं बनाया था बहुत टेस्टी, इसलिए मैं सोचा चलो ये बना लेते हैं, और अब जल्दी जल्दी से ना बनाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, ये देख सकते हो मसाला। चलो बना के मिलते हैं फटाक से। सब कुछ इतना हल्के हल्के कर रहे हैं तब भी इतनी ज़ोर ज़ोर की शोर हो रहा है ना, पता नहीं क्यों, अगर डैडी जी आके ना हमें ख़त्म कर देंगे। वैसे आज सुबह बहुत डांट पड़ी है डैडी साहब में क्योंकि हम लेट सो के उठ रहे हैं ना डेली से। देखो ऐसे कह रहे इस घर में काला साया है, मैं इस घर में रहता हूँ, यार ऐसे बोलते ना मेरी फट जाती है, अपने घर में मुझे डर लगता है इसी वजह से, तो मुझ भाई के साथ इतनी हॉरर मूवी देखी है ना, मेरा डर तब भी नहीं निकला, मुझे अपनी फटती है। गाइस डैडी आ गए, उनके साथ जान के बोले जॉर्ज भाई ले लो, मतलब उन्हें ये ना लगे लाइट बड़ी जली है ना इस वजह से। मैंने बंद कर दिया चूल्हा। डैडी आ गए थे ना इसलिए हाल सो गए थे, हम एक्टिंग कर रहे थे। डैडी बहुत गुस्सा करते हैं, किस टाइम तक जगे हुए हो? अभी नहीं जाऊंगा, बाहर रुक के जाऊंगा थोड़ा। गाइस मैं ज़्यादा लाइट नहीं जलाऊंगा, थोड़ी सी लाइट जलाऊंगा बस।
बुरा लग रहा है अच्छा तो आज का तो सब्जी में उबला उबला सा लग रहा है। उस दिन पता नहीं कैसे अच्छा बन गया, आज का इतना बेकार कैसे बन रहा है समझ नहीं आ रहा है। माजरा का है पनीर टुका है अभी लग रहा है। हर्ष भाई कह रहे इसके अंदर किसी चीज़ की कमी है, मैंने कहा हर चीज़ की ही कमी है इसके अंदर। आज का पता नहीं टेस्ट ही क्यों नहीं बना, उस दिन का इतना ज़्यादा लजीज बना था। शाही पनीर डाल लिया इसमें, शाही पनीर बटर डाल लिया, बटर बटर पीनट बटर बटर नहीं है वो भी देखा था, डाल लो खाना है ना। किसी चीज़ की नमक भी, नमक की कमी, नमक की और मसाला डालना और क्या चाट मसाला और नमक डाल दिया। मैं तो दो चम्मच खा के सो जाऊंगा ना बिना। अरे यार खत्म करो यार, सुबह अम्मी देखेंगी बहुत डांटेंगी। बनाऊँ भी मैं ही, धोऊँ भी मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बर्तन धुल चुके हैं, पानी की बोतलें भर के रख दूँ अब। ये देख रही मूवी देखिए है ना, तू बता तू बता नींद आ रही तुझे? हमें नींद आ सकती है, नींद सारी वो वाली 12 बजे से पहले वाली नींद आती नहीं है। चलो गाइस अब हम मूवी वूवी कुछ नहीं देखे, मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को यहाँ रोकने के लिए। और अब मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू सुबह को करूँगा क्योंकि सुबह है जुम्मा और सुबह मुझे जाना भी है कहीं पर। अल्लाह हाफिज़। तो जानो अभी थोड़ी देर पहले ना मैं अपने फुप्पो के घर से आया हूँ और अभी थोड़ी देर पहले आके बैठे हुए, जब से आया हूँ ना मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा जब से आया तो बस लेटा हुआ ही था मैं। और पर अभी मैं उठ गया, मैंने कहा चलो कल का व्लॉग अब एंड कर दिया जाता है। फुप्पो के घर गए थे, फुप्पो से मिल लो, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और अभी मैं अभी शपेश भाई गए हुए हैं दवाई लेने के लिए, बस आने ही वाले रास्ते में। जब हम घर वापस आ रहे थे तो वो हमें रास्ते में ही मिले थे, अम्मी और मैं ही गए थे। तो चलो जी मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करने जा रहा हूँ। सबको व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, आईडी स्क्रीन पर शो रही है, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। और महवी शापी की अलहमदिल्ला तबीयत और जीजू की तबीयत बहुत बेहतर लग रही है पहले दिनों से, उन दिनों से जो तबीयत ख़राब हुई थी। और इंशाल्लाह आपकी वीडियोस जल्दी आनी शुरू हो जाएगी, बस दुआ करना कि तबीयत जो और अच्छे से ठीक हो जाए। जब तक उनकी और प्रॉपर तबीयत ठीक नहीं होगी उनको हम अभी घर जाने नहीं देंगे, जैसे लगेगा कि हाँ अब ठीक है तो हम उनको घर जाने के लिए कह देंगे कि अब जाओ अब काम करो जो करना है, अभी हम जाने नहीं देंगे। सो या इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद रखना।